हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ रोहू फिश फ्राई, जिसके लिए फ़िश को मैंने अच्छे से पानी से धो लिया है। जितनी भी गंदगी थी उसकी अच्छे से मैंने निकाल ली है और हल्दी और नमक से धो लेने से क्या होता है कि जितनी भी आपको बिसैना वाला जो फ्लेवर होता है या फिर महक होता है वो सारा हट जाता है। देखिए कितनी सफाई से मैंने इसे धोया है, जो ब्लैक ब्लैक स्किन लगा रहता है ना उसे अच्छे से हटाना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो फ़िश फ्राई जो है ना कड़वा बन जाता है, या फिर फ़िश फ्राई बनाइए या फिर ग्रेवी में इसे डालिए तो टेस्ट बहुत ही ख़राब हो जाता है। तो बहुत ही अच्छे से इसे हमें धो लेना है, जितना टाइम लगे उतना देना है, क्योंकि अच्छे से सफाई नहीं होगी तो हमारा फ़िश फ्राई बनकर अच्छे से रेडी नहीं होगा। तो अच्छे से तो मैंने धो लिया है, अब मसाले की बारी आती है। मसाले में सबसे पहले हमें डालना है तीखी वाली लाल मिर्च, तो एक छोटे चम्मच मैंने डाला है, ये चम्मच थोड़ा बड़ा है तो इसलिए आपको थोड़ा हाफ ही दिखा है। आधा चम्मच के लगभग मैंने डाला है आपको हल्दी पाउडर, तो हल्दी पाउडर तो हर खाने में ही ज़रूरत होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मछलियों की जान होती है सरसों का पाउडर, आप चाहें तो इसमें पेस्ट भी डाल सकते हैं, मैंने पाउडर बनाकर रेडी किया है तो इसे मैंने डाल दिया है आधा चम्मच के लगभग। और आधा चम्मच के लगभग मैंने डाला है इसमें काली मिर्च और ज़ीरा का रोस्टेड पाउडर, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और एक बड़े चम्मच मैं इसमें डालूंगी लहसुन का पेस्ट, इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा, जितना भी सैनापन है वो भी हट जाएगा। तो सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिहारी फिश फ्राई बना रहे हूँ और इसमें मस्टर्ड ऑयल नहीं हो तो बात नहीं बनती है, तो एक बड़े चम्मच मैं इसमें डालूंगी सरसों का तेल। उसके बाद इसमें डालना है थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर लाने के लिए ये एक नींबू का रस मैं निचोड़ कर इसमें ऐड करूंगी। अगर आपके पास बड़े वाले नींबू है तो आप आधे ही डालें, नींबू थोड़े छोटे थे तो मैंने एक नींबू का रस पूरा ऐड इसमें कर देना है। अच्छे से इसे निचोड़ कर डालें, जितनी भी बीज अगर मछली में चली गई है तो वो भी आप हटा दीजिए या फिर फ्राई करते वक्त वो खुद ही अलग हो जाएंगी। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देना है। तो सारे मसाले का जो क्वांटिटी है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से हिसाब से डालना होगा ताकि फ़िश फ्राई जो है ना बहुत ही टेस्टी बनती है। और दाल चावल के साथ आप इसे एज इट इज़ भी खा सकते हैं या फिर आप ग्रेवी में भी डाल सकते हैं। बिहारी फ़िश फ्राई बहुत ही अमेजिंग बनती है, आप इस तरीके से एक बार बनाइएगा तो सारे तरीके आप मछलियों के बनाने के भूल जाइएगा। तो मसाले ऐड करने के बाद फ्रेंड्स इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, सारे मछलियों में जो मसाले हैं ना कोट हो जाने चाहिए। और मिक्स करने के बाद मैं क्या करूँगी, 10 से 15 मिनट के लिए इसे रख दूँगी मैरिनेट होने के लिए, ताकि मसाले जो है ना फ़िश के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए और फ़िश फ्राई हमारा बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हो। तो ये मिक्स हो गया है, अब इसे 15 मिनट बाद हमें फ्राई करना होगा। तो फ्रेंड्स 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, अब चलते हैं फ़िश को फ्राई करने की तरफ। तो फ्राई भी हमें करना है मस्टर्ड ऑयल में, तवा गर्म हो चुका है, मस्टर्ड ऑयल मैंने डाल दिया है और ये फ़िश देखिए कितने अच्छे से मैरिनेट हुआ है, मसाले जो है ना फ़िश में अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुके हैं। मैरिनेशन जितने अच्छे से होगा ना मसालों का फ़िश में, उतनी ही अच्छे से हमारी फ़िश फ्राई बनकर रेडी होंगे। इस तरह से मसाले को अच्छे से मैरिनेट करना होगा और तवा भी गर्म हो चुका है, तेल भी गर्म हो चुका है, तो एक एक करके हमें फ़िश को तवे पे डाल देना है। एक ही बार में सारे नहीं फ्राई करें, दो बैचेज में मैं इसे फ्राई करूँगी, तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा एडजस्ट करके तवे पर डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें फिशेस को डाल देनी है। और फिश डालने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, फ्लेम को हाई रखना है और फिश को हमें क्रिस्पी होने तक फ्राई करना होगा और अच्छे से फिश हमारे पक भी जाने चाहिए। तो इतने ही हमें डालने होंगे, पहले फिशेस को अच्छे से फ्राई कर लेना है, मसाले को अच्छे से मैरिनेट करना होगा फिशेस में, तभी हमारी फ़िश फ्राई जो है ना अच्छी बनती है। फ्रेंड्स ये बिहारी फिश फ्राई जो है ना बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसे दाल चावल के साथ खा सकते हैं, एज इट इज़ भी खा सकते हैं, और जब ये ग्रेवी में जाता है तो और भी मज़ेदार लगता है। मछलियाँ बहुत ही टेस्टी बनती हैं, आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाकर देखिएगा। और ये रोहू फिश फ्राई तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, बच्चे बड़े सभी को पसंद आता है। और जब थोड़े कम तीखे बनाए अगर आपको बच्चे को सर्व करना है तो, क्योंकि बच्चे ज़्यादा तीखे नहीं ना खाते हैं, तो अगर हेल्दी देना है उन्हें और आप चाहते हैं उन्हें फिश देना तो तीखे थोड़े कम बनाएं और कांटे निकाल कर दें। तो इतने मैंने बचा कर रखे हुए फ्रेंड्स और इतने मैंने तवे पे डाल दिए हैं। तो जब तक ये अच्छे से फ्राई होते हैं और ये मैं पलटी करूँगी तो आप सभी को दिखाऊँगी कि कितने बेहतरीन तरीके से ये फ्राई होकर रेडी होंगे। तो फ्रेंड्स अब क्या करते हैं, फिश को पलट देते हैं ताकि दोनों साइड से एकदम क्रिस्पी और एकदम रेड रेड फ्राई होकर रेडी हो जाए। तो जितने अच्छे से फ्राई होगा ना खाने में उतना ही टेस्टी लगता है और ऊपर से एकदम क्रिस्पी लगता है, अंदर से एकदम जूसी बनता है ये फिश। इसी तरह से सभी फिशेस को हमें फ्राई कर लेने हैं। और ये जो पलट रही हूँ ना मैं, ये इसे पेटी कहते हैं, बच्चे को बहुत खास करके ये पसंद आता है क्योंकि इसमें कांटे बहुत कम होते हैं। बड़े बड़े पीसेस में तो कांटे थोड़े ज़्यादा होते हैं, बट ये वाले जो फिश का पार्ट होता है ना इसमें कांटे बहुत ही कम होते हैं, बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं।
इसी तरह से हमें दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक इन्हें फ्राई कर लेना होगा फ्लेम को मीडियम टू हाई करके। जो फिशेज जो है ना अच्छे से फ्राई होंगी तो खाने में भी बेहतरीन लगती हैं। तो जितने देर मैंने फर्स्ट साइड फ्राई किया है ना उतनी ही देर इस तरफ से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम। तो फ्रेंड्स फिशेज जो है ना अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब क्या करते हैं ना इन्हें प्लेट में निकाल देते हैं। देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है, ये एकदम परफेक्ट, जरा भी टूटे नहीं है, एकदम परफेक्ट तरीके से ये फिश फ्राई हुए हैं। तो आप भी इसी तरह से फिशेस को फ्राई कीजिए और दाल चावल के साथ या फिर एज इट इज भी खा सकते हैं, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं तो ये बच्चे बड़े सभी को पसंद आता है। आई होप आप सभी को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसी तरह से आप भी बनाइए, खाइए और सभी को खिलाइए। फ्रेंड्स तो ये हमारा फिश फ्राई बनकर रेडी हो चुका है, रोहू फिश फ्राई। आई होप आप सभी को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको ये फिश फ्राई की रेसिपी कैसी लगी। बाकी जो फिशेज है ना फ्रेंड्स वो मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फिलहाल के लिए मिलती हूँ आपसे दूसरी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।